सब लोग आ गए। हम कल बात कर रहे थे, कल जो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हुई थी ना। हेलो जी सर। जी सर, कल हम लोग क्या बात कर रहे थे, कोई याद दिलाएगा? अंदर काउंटर नहीं खुला है ना, अंदर काउंटर नहीं खुला है। वो सर एब्सेंटीज के बारे में कुछ बात कर रहे थे। गुड, सिकनेस एब्सेंटीज की हम लोग ने बात की थी कल, और टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है ना, जो उसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। उस प्रिवेंशन में स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे कि वर्कर्स को क्या किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसकी, वो होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम इनेविटेबल है, उनको हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना इंस्टीट्यूट के लेवल पे, फिर इंडिविजुअल लेवल पे। एंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, किसी केमिकल से हैजार्ड्स हो रहा है, या फिर मशीन से, या वेदर एक्सट्रीम हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, या कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो रहा है, जैसे खेतों में अगर काम कर रहे हैं तो उनको क्या हो सकता है। उनके रिकॉग्निशन के बाद टाइप ऑफ हैजार्ड्स देखेंगे, फिर उसके हैजार्ड्स के फाइन रिकॉग्निशन पे जाएंगे कि एक्सपोजर कैसे किन चीजों से हो रहा है, कि गैसेस निकल रही है, या फिर फ्यूम्स निकल रहा है, या डस्ट निकल रहा है। तो ये रिकॉग्निशन के बाद ही कोई मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। और उस मेजर्स में हमने बताया था कि वो रिस्क को असेसमेंट करके फिर उसका नोटिफिकेशन होता है, रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आगे होने वाली कोई अगर इस तरह की कोई फिर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था मेजर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स में, देखा था कि जहाँ भी लोग रह रहे हैं इस तरह से, या फिर एक कॉलोनीज बसी हुई है वर्कर्स की, जिस शहर में फैक्ट्रीज होती है या तो अपने कंपाउंड में वो जगह देते हैं, अगर बहुत नॉक्सियस एनवायरनमेंट नहीं होता है वहाँ का तो कंपाउंड में जगह दे देते हैं, अदरवाइज नहीं तो उसको दूर कहीं पे जगह दी जाती है। तो जहाँ भी वो रहते हैं उसका देख रेख और ये पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी पे होती है, अगर वो वर्किंग कंपाउंड या प्रोवाइड किया जाता है उनकी तरफ से। तो ये वहाँ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी होती है। अब देखिए, कोई वर्कर 4,000, 5,000, 10,000 में काम कर रहा है तो उसका जो घर का न्यूट्रिशन लेवल होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बहुत ही ह्यूमिलिटिंग टाइप का होगा। उसको सही से वो सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे जो उनके बॉडी को चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनीज की कि उसको इतना ज़्यादा ऑनरेरियम या फिर सैलरी या चीज़ दी जाए कि वो मीट उसकी पूरी हो जाए। दूसरा था कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ हम जैसे रहते हैं वो भी एक फैमिलीज बना के कहीं पर रहेंगे लोकेलिटी में या कम्युनिटी बनाएंगे, वहाँ भी वो सारी चीज़ें एक्सपोजेबल होंगी उनको। कम्युनिकेबल डिजीज अगर किसी गलत वजह से वहाँ पे वाटर सप्लाई सही नहीं है या फिर दूसरी मेजर्स नहीं है तो हो सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हम फेस करते हैं उनको भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जिम्मेदारी बनती है सरकार की और उस फैक्ट्रीज की जो उसको दे रही है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, पता चला वर्किंग इन्वायरमेंट इतना टेंस है कि उसको बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे कंडीशन में। वुमेन्स एंड चाइल्ड के लिए अलग केयर होनी चाहिए कि ऐसा माहौल हो कि वो सेफ्टी फील करें, ऐसा माहौल हो कि उनके लिए भी कोई इंगेजमेंट का मामला हो, कम्युनिटी लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो। दूसरे स्कूल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, वहाँ पे डिलीवरी के बहुत अच्छे साधन होने चाहिए वहाँ हॉस्पिटल्स, या फिर ANC केयर का मामला होना चाहिए जो औरतों को जरूरत पड़ती है जब वो कंसीव करती हैं। तो इसी तरह जनरल हेल्थ एजुकेशन बार बार उन लोगों को दिया जाना है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उस वर्किंग प्लेस पे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उनको जब आप बार बार बताए रहेंगे तो अपने लेवल पे भी, जैसे हमने अभी सरकार ने क्या किया कि सबको एजुकेट किया ना कि आपको कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धुलना है, जो आप साबुन से धोएं या फिर आप सैनिटेशन के लिए जो भी यूज कर रहे हैं चीजें, 70% या एवव अल्कोहल होना चाहिए, मास्क आपको यूज करना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, पब्लिक गैदरिंग में 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर की दूरी बना के रखना है। तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड उस डिजीज से जो वहाँ हो सकती है उनको टाइम टाइम से उनको देना है। उसमें कोई भी माध्यम आप यूज कर सकते हैं, या तो टीवी चैनल्स वगैरह पे आता है, या फिर न्यूज वगैरह चैनल्स पे दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो सोशल मीडिया पे, या फिर आप कुछ नहीं तो उनको बार बार गैदरिंग बुला के वर्कशॉप करके दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनको पॉम्फलेट्स भी दे सकते हैं उनको। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग बड़ा मसला है भारत जैसे देशों में, जो एक्सप्लोजन हो गया है आबादी का, और वो अलग बात है कि इसको बहुत अच्छे से बांग्लादेश ने यूटिलाइज किया है कि ज्यादा लोग होने की वजह से उसकी क्या मजबूती हो सकती है ज्यादा होने की,
उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने उसको इस तरह से लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया कि आज कॉटन उद्योग में, जहाँ कपड़ा उत्पादन में बांग्लादेश टॉप पे चला गया, हमसे भी आगे चला गया वो, तो वो अलग बात है। लेकिन बढ़ी हुई आबादी तो दिक्कत हो ही रही है, इसको भी कंट्रोल में करने के लिए मेजर्स होने चाहिए, उनको भी बताना है कि आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब जो मेन चीज आज हम बात करेंगे वो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, उसमें तीन मेजर्स लिए जाएंगे, मेडिकल, मेडिकल इन सेंस की वो सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज प्री प्लेसमेंट, यानी जब वो एम्प्लॉय था उससे होने से पहले, दूसरा उसका दूसरा ये होगा कि एम्प्लॉय होने के बाद भी टाइम टू टाइम उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जानी है, उसके क्या चेकअप्स होने हैं, स्क्रीनिंग जो कहते हैं वो सारी चीजें उनको, ट्रीटमेंट से इंक्रीजिंग एंड प्रिवेंशन, तीनों चीजें उनको बतानी है। एजिंग मतलब कि जो वर्क पे काम कर रहा है वो ना, जहाँ पे भी, वो कैसे वेल डिजाइन होंगे, किस तरह से उनको डिजाइन किया जाएगा, किस तरह से उनके ब्लूप्रिंट तैयार करते वक्त, यानी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त ही ध्यान रखना है कि ये किसी तरह से हैजार्ड्स नहीं बने लोगों के, इसका डिजाइन जो है, एंड लेजिस्लेशन की जो लॉज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और वर्ल्ड के, वो किस तरह से मजदूरों के या वर्किंग जो पीपल होते हैं उनके अधिकार को सामने रखता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में जानेंगे और बात खत्म। मेडिकल में सबसे बड़ी चीज जो कल भी बात हुई थी कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, यानी उस वर्क पे आने से पहले उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कोई अगर कोमॉर्बिड या दूसरी डिजीज है तो फिर उस तरह के वर्क उनको नहीं देंगे, सांस की प्रॉब्लम ऑलरेडी लेके आया है तो फिर जहाँ पे डस्ट उड़ता है या फिर मेटेलिक डस्ट होते हैं वहाँ काम नहीं देंगे। पीरियडिक उसके बाद भी, यानी कि एक बार एग्जामिनेशन उनका हो गया तो अब सब दिन के लिए सेफ है, उसके बाद भी उनको क्या करना है, हमको कि बीच बीच में उनको एग्जाम करते रहना है कि जो काम कर रहा है इसकी वजह से इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो इससे क्या होता है कि उनके हेल्थ का हमको पता चलता रहता है कि ये बंदा जो है अब हेल्दी है, और या फिर अगर कोई उनको दिक्कत हो रही है तो उसको हम काउंटर कर सकते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज होने चाहिए कंपाउंड में, एक्सेस लिमिट में होनी चाहिए, उसकी पहुंच में होनी चाहिए, जल्दी से मिल जाए, हो सके तो फ्री में होनी चाहिए। नोटिफाइड करना है बार बार, कोई डिजीज हो गई या किसी को कुछ बीमारी हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल, तो उसको नोटिफिकेशन करना है, बताना है लोगों को, वहाँ वर्कर्स को बताना है, मेडिकल टीम को बताना है, और रिलेटेड जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वहाँ सबको इन्फॉर्म करना है। बार बार उस वर्किंग एनवायरनमेंट का सुपरविजन होना है कि जहाँ काम कर रहे हैं बहुत गर्मी तो नहीं, ठंडी तो नहीं, सिंपल सी चीज़ आप ले लें कि मतलब कि ठंड में काम कर रहे हैं या गर्मी में काम कर रहे हैं, खिड़कियाँ खुली रह जा रही हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट के मेजर्स होने रहेगी, यार इसको कोई प्रोटेक्शन में या साय में काम करें, धूप ज़्यादा ना लगे, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। नॉइज़ ज़्यादा नहीं हो ये एश्योर करेंगे उस एरिए में, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो ये एश्योर करेंगे। रिकॉर्ड्स जो भी होंगे उसके हेल्थ से, उन सबको हमको मेंटेन रखना है। जो बात की मैंने कि हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों की, मेंटल लोग बहुत ये टेंशन में आ जाते हैं कि यार बीमारी हो जाएगी, फिर बेहतर है दूसरी जगह अपने आप को रिप्लेस कर लें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंजीनियरिंग मेजर्स में सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग बन रही है ना तो बनते वक्त एक ब्लू प्रिंट तैयार होता है इस कंस्ट्रक्शन का, उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसके अंदर जो मटेरियल्स डाले जाएँ, सबसे पहले चीज़ कि वो जो बिल्डिंग बन रही है तो भूकंप रहित होनी चाहिए, वो ऐसी जगह पे बने, वो हाउसिंग जो आपने पढ़ा था कि प्लेस जो है बहुत सख्त होनी चाहिए, और मेड सॉइल होनी चाहिए, मतलब कि अगर है तो 20 से 25 साल बाद तुरंत जो हम गड्ढा खोद के उसमें मट्टी भर के वहाँ बिल्डिंग बना दी है तो उसे गिरने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह उसका डिजाइन ऐसा हो कि उसमें अच्छे से वेंटिलेशन हो, एयर अच्छे से आए उसमें, लाइट अच्छे से आए उसमें, ये सारी चीजें आपको पहले से बिल्डिंग में रखना है। और उसकी लाइटिंग का ऐसा इंतजाम हो कि मतलब अगर नेचुरल लाइट आनी चाहिए उसमें, कि इलेक्ट्रिशियन कट हो जाए तो फिर क्या करते हैं हमको कि वो डायरेक्ट सप्लाई भी उनके अंदर होते रहना है उसका लाइट करने, तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो मोपिंग, जैसे मान लिया कहीं पे ऐसी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो हॉस्पिटल के नीचे का जो फ्लोर है वो ऐसा बने कि जो मोपिंग में सारे सारे कचरे वहाँ से आराम से निकल जाए, या फिर जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज वगैरह रह सकती है आपको बीच में उसको ध्यान में रखना है। सीलिंग, वॉल्स या फिर रूफ या डोर्स या विंडोज, सारी चीज़ इस तरह से डिज़ाइन करना है आपको कि लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्थ हैजर्ड्स फ्री हो सकते हैं। इसलिए गुड हाउसकीपिंग एक चीज़ होती है कि हाउसकीपिंग का मतलब ये कि टाइम से इसकी सफाई, वेंटिलेशन, जनरल क्लीननेस जो होती है वो मेंटेन होना, टाइम से इसको जो है वॉशिंग करना, ये सारी चीज़ें एकदम मेंटेन वे में होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि बैक्टीरियल कॉलोनीज हो सकती है, डस्ट इकट्ठा हो सकते हैं, तो उसमें रहने वाले लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, दीगर जो और भी चीज़ें हैं उनको हो सकती है। अगर स्लिपरी सरफेस हो गया जहाँ पे काम होता है लिक्विड का या फिर
ऑयल का काम होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, वहाँ स्लिपरी सरफेस हो गया तो उसको दिक्कत हो सकती है ऐसे कंडीशन में। इसी तरह से मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वहां पे उस कोशिश आप कीजिए कि ज्यादातर चीजें आपकी मशीन से इस्तेमाल हो। कुछ लोग देखिएगा मिक्सिंग केमिकल्स है या फिर काम होता है सीमेंट वगैरह का, हाथ से मिक्सिंग करते हैं, तो बेहतर है कि वहां पे मशीन का इस्तेमाल हो या ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करें। कहीं पे आपको जैसे लिक्विड ले जाना है तो कोशिश कीजिए कि लिक्विड उठा के कोई नहीं ले जाए, अगर वो कोरोसिव है तो अगर गिर गया तो उसको दिक्कत हो सकती है, तो पाइपलाइन से इस्तेमाल हुआ, एक चैनल से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आप पाइपलाइन का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बहुत है तो बहुत ज्यादा, एक मिनट रुक जाए आप थोड़ा सा। ओके, तो मैं कह रहा था कि मैकेनाइजेशन का ज्यादा ज्यादा काम हो कि डायरेक्ट हैंडलिंग हाथ से नहीं हो। जैसे आप खुद सोच लें कि जहां पे हम लोग वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल की जगह पे बहुत सारे लोग थे पहले हाथ से इन चीजों को डीलिंग करते थे कि हाथ से वेस्ट को उठाना, तो अब क्या हुआ कि अब मशीन आ गई है या फिर जो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इस्तेमाल होने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एक्सपोजर के खतरे घट जाते हैं और काम आसान हो जाता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, हैजार्ड्स कम हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज थी जनरल वेंटिलेशन, हमेशा जनरल वेंटिलेशन का इसमें ख्याल रखना है, इस सेंस में कि अगर आपने पढ़ा था कि वेंटिलेशन अगर सही नहीं हुआ किस तरह से सांस की बीमारियां हो सकती हैं, और स्पेस होना चाहिए। जैसे एक नॉर्म्स है कि एक एक जो आई मीन के वर्कर है उसको मिनिमम 500 क्यूबिक फिट एयर मिलना चाहिए हमेशा। अगर इससे कम एयर स्पेस अगर उस बंदे को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है बहुत प्रोन है, बहुत इजिली उसको रेस्पिरेटरी डिजीज या दूसरे कंडीशन हो सकती है। कि अगर इससे कम स्पेस मिलेगा तो उसको ह्यूमिडिटी हो सकती बढ़ जाए, वहां पे सफोकेशन होने लगेगा, तो काम की जो क्षमता है, जो वर्किंग कैपेसिटी, वो घट सकती है। और जब भी आपकी बॉडी एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ जाएगी तो इसमें ये होगा कि आपकी एक्सीडेंट्स के चांस या फिर दूसरी चीजें आपको बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक तीसरी चीज थी सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का स्कोप बहुत कम है, लेकिन जितना पॉसिबल हो कि आप सब्स्टिट्यूशन करें तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे फास्फोरस, इसमें क्या कहते हैं आपको मैच बॉक्स जो माचिस वगैरह बताते हैं उसमें फास्फोरस इस्तेमाल होता है, तो पहले क्या था कि व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल होता था, लेकिन व्हाइट फास्फोरस को जैसे ही फास्फोरस वो होता है सिक्विस सल्फाइड से जैसे रिप्लेस किया तो उससे क्या कि जॉ के अंदर जो बीमारी होती थी नेक्रोसिस ऑफ जॉ हो जाता था, फॉसी जॉ जिसको कहते थे, वो होना लोगों में कम हो गया जो वहां काम करते थे, ठीक है। इसी तरह से जहां पे पेट्रोल होता है या फिर आपको इस्तेमाल होता है इसमें ना कहते हैं पेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं घर में जो आप पेंट करते हैं, तो उसमें जनरली लेड सप्लाई होता है, पेंट के अंदर लेड होता है। बताया था मैंने कि पेंटर्स जो होते हैं उनको लेड पॉइजनिंग के चांसेस बन जाते हैं, तो आजकल जो नई टेक्निक आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जिंक या आयरन उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए लेड की जगह पे, तो इससे क्या होगा कि जो लेड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं वो उनको कम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोशिश करना है कि जहां पे डस्ट निकल रहा है तो वहां पे ड्राई डस्ट ना हो के वहां पे वाटर के स्प्रेज होते रहेंगे तो डस्ट ज्यादा नहीं उठेगा। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट स्कोप है आपको सब्स्टिट्यूशन का, वो अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो इससे वजह से क्या होगा कि हार्मफुल जो उनके जो वो है चांसेस हैं वो धीरे धीरे घट जाएंगे। इसी तरह से एक सब्स्टिट्यूशन के बाद आया था डस्ट, यानी कि मैंने बताया भी कि जहां भी फैक्ट्रीज आउटडोर में या फिर आपको माइंस में या ड्रिलिंग और रॉक्स वगैरह में होता है तो वहां आपने क्या करना है कि वाटर स्प्रेज वगैरह इसका इस्तेमाल करना है, या फिर जो वो घर है जहां पे अगर इंडोर हो रहा है कहीं पे काम हो रहा है तो आपका वेंटिलेशन इतना अच्छा हो कि एयर एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाए। घर में अगर हवा रुकी रहेगी तो क्या होगा कि धूल जम रहेगा बार बार उसके बंदे के सांस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आप अगर चाहे ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो या सीविंग का हो रहा है, अगर आपने दवा बना रहे हैं कहीं पे सफूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो सफूफ जब इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा जैसे ही आप उसके प्रोसीजर में घुसेंगे तो वो उसके डस्ट आपके फ्यूम्स आपके नाक में जा सकते हैं, इससे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो सकती है। अगर लंबा एक्सपोजर है तो आपने देखा क्या क्या बीमारी होती है, तो क्या करना है कि उस घर में एग्जॉस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जो भी डस्ट आपका उड़ रहा है जल्दी से उसको बाहर की तरफ फेंक के उसको बाहर कर देगा, ठीक है। एक होता है इनक्लोजर, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं
उसको आप इनक्लोज वे में करें। आप सिंपली देख सकते हैं कि पहले जो आटा जो बनता है जहाँ पे आटा प्रोसेस गेहूं का तैयार होता है, वहां पे देखिए कि जहाँ आउटपुट होता है, जहां से आटा निकल के बाहर आता है, वहां पे क्या करते हैं लोग कि वो कपड़े का एक बड़ा सा वो बैग माउथ में लगा देते हैं और सीधे बोरे में या जिस इंस्ट्रूमेंट्स में आप डालना सकते हैं वहां कर, जिससे क्या होता है कि जरा सा भी स्पेस में वो लीक आउट नहीं होता है, तो उसके डस्ट से आप बच जाएंगे। इसी तरह से जहां भी जो प्रोसेस हो जाता है उस प्रोसेस में आप ध्यान रखें कि वो इनक्लोजर में हो, ठीक है, बंद हो, बंद कमरों में हो ज्यादा से ज्यादा उसको, ठीक है, वो नहीं हो पाए, आपको डस्ट नहीं निकल पाए। एक दूसरी चीज आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको बहुत ज्यादा हैजार्डियस नॉक्सियस या खतरनाक वाला प्रोसेस हो रहा हो उसी फैक्ट्री में, जरूरी नहीं कि किसी एक फैक्ट्री में हर जो प्रोसेस हो रहा है वो आपको ज्यादा नुकसान ही पहुंचाए, तो आपको उसको देखना है कि जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रोसीजर है उन प्रोसीजर्स को सेपरेट उनका चैम्बर्स बना दीजिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके कि उसके उसके वर्किंग एनवायरनमेंट का टाइम चेंज कर दीजिए। जैसे बहुत नॉक्सियस प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप रात में शिफ्ट कर दीजिए, दिक्कत हो रही है इस तरह की तो ज्यादा से ज्यादा आप कम स्टाफ मिलके उसको कर लिया करेगा, या फिर ऐसे वर्किंग अगर उन कीजिए जब बहुत ज्यादा उनको लोग उनसे एक्सपोज आउट नहीं हो पाए, इस तरह से ऐसे टाइम में उसको कीजिए जब बाकी लोगों की छुट्टी हो जाएगी, तो इस तरह से आप एक आइसोलेशन मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मैंने कहा था कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या फिर एयर के स्टैग्नेशन की वजह से बहुत देर तक सांस में वो धूल और चीज़ें आप तक जा सकती है, तो एग्जॉस्ट फैन लगाइए फैक्ट्री में, उससे क्या होगा आपका कि वो सारी चीज़ें जो डस्ट आपको दिक्कत कर सकती है वो बाहर निकल दी जाएगी। इसी तरह प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये तो बहुत सिंपल मेजर है, अभी आपने कोरोना 19 में देखा होगा कोविड 19 के केसेस में कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको फेस को नाक को ढकना है, जो जिस तरफ से हमको चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बढ़ रहे हैं या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करते हैं। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्रीज में या फिर हाइट पे काम करता है तो उसके लिए क्या होती है कि रस्सी बांध के चढ़ना, अगर वो गिर जाए तो फिर किस तरह से हैंग आउट हो जाए, लटक जाए वो गिरे नहीं नीचे, या फिर आपको हेलमेट वियरिंग देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट पहनते हैं लोग, वो हुआ, या फिर हाथ से जहाँ पे चीजों को आप करना है खुले हाथों से तो आप बड़े ग्लव्स पहनिए, या फिर आप कहीं कचरा उठा रहे हैं इस तरह से मेडिकल वेस्ट तो आपके शूज ऐसे होने चाहिए कि जो मेटलिक शूज हो उसमें कोई पेयर्स करके चीजें अंदर ना घुस जाए, तो अलग अलग जो आपके वो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं उस प्रोफेशंस के हिसाब से आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस या मेजर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन हम इसको लिमिट में ला सकते हैं अपने लेवल पे, एनवायरमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वर्किंग एनवायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि वहां पे एनवायरमेंट को इस तरह से मॉनिटर कीजिए कि जो भी चीज का एक्सपोजर है वो एक परमिशन लिमिट तक हो, अगर मान लिया लगातार धूल हो रहा हो प्रोटेक्शन मेजर नहीं ले रहा हो आदमी काम किए जा रहा तो बीमार पड़ जाएगा बहुत जल्दी, तो आपको ऐसे सारे मेजर्स लेने हैं, चाहे प्रोटेक्टिव डिवाइस के इस्तेमाल करके, चाहे एग्जॉस्ट फैन का डिवाइस करके, चाहे शेल्टर देके या फिर मिनिमाइजेशन करके, हर वो कंडीशन में आपको टेम्परेचर रेगुलेट करना है। बहुत गर्मी है तो आप कोशिश कीजिए कि पंखे लगा दें या फिर आप ऐसे कोशिश कीजिए कि एसी हो जाए, वहां पे बहुत ज्यादा गर्म है तो आप कोशिश कीजिए कि एक जो है वो वाटर कूलर इंस्टॉल कर दिया वहां पे तो बार बार पानी पी के वो लोग अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, या बहुत ठंड है तो आपने जो है वहां पे हीटर लगा दिया। इस तरह से आप जो है एनवायरमेंटल को मेजर कर सकते हैं, आपने वेंटिलेशन बहुत अच्छा कर दिया, एग्जॉस्ट फैन अच्छा लगा दिया तो डस्ट जो है उसका कंट्रोल हो जाएगा अच्छे से। स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग होती है ये सारे प्लान आपके इसी पर निर्भर होते हैं कि आप जो भी वहां पे काम हो रहा है वर्किंग एनवायरमेंट हेल्थ जो बेनिफिट्स या फिर उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके रखेंगे उसी डाटा के बेसिस पे आप कोई भी, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो कोई भी आप जो है ना क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्लान उनके लिए आप सेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी हेल्थ मेजर्स उनको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, कंटिन्यूस रिसर्च पे, यानी कि कौन सा डस्ट ज्यादा खतरनाक है, पहले दिन से तो पता नहीं था, पहले सिर्फ था कि डस्ट से बीमारी होती, फिर धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुआ तो डस्ट जो है अलग अलग सेग्रीगेट होते चले गए, पता चला कि कौन डस्ट से किस कौन सी बीमारी होती है, कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं इनसे बचने के लिए, क्या क्या उनके जो है प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट पहले से दे के रखे हैं, क्या उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ये सारी चीजें जो आपको जानकारी आती है मेडिकल फील्ड पे वो कंटिन्यूस रिसर्च की वजह से हो पाता है, तो ये जरूरी है कि इन चीजों पर रिसर्च होता रहे। तीसरी जो दो चीज हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग हमने पढ़ लिया, जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है अधिकार का, मतलब कि आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए। अगर वर्किंग प्लेस पे कोई दिक्कत आपको हो जाती है तो आपको बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे,
उसके लिए लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो लेजिस्लेशन है उसमें दो तीन एक्ट्स आते हैं। पहला एक्ट आता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1976 का, जो पहला 1976 वाला जो अभी अमेंडमेंट माना जाता है, उससे भी लास्ट अमेंडमेंट आया 87 वाला। लेकिन ये एक्ट 1881 यानी प्री इंडिपेंडेंट एरा का जो एक्ट है उसी का मतलब कि मेक ओवर था 1948 में, 48 में जो एक्ट बना था 81 में थोड़ा प्रोविजन करके उसको एक्ट लाया गया था। अभी जो लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो 87 का लास्ट अमेंडमेंट होता है इसमें, यानी 20 से 22 ऐसी डिजीज है जो नोटिफेबल इसमें आपको मेंशन है। नोटिफेबल डिजीज का मतलब ये होता है कि वो डिजीज जिसके बारे में सरकार ने आपको अलर्ट कर दिया है उससे रिलेटेड आपको मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, और अगर कोई भी पेशेंट या वर्कर अगर उससे इफेक्टेड होता है तो उससे रिलेटेड कंपनसेशन भी आपको देना है। इसी तरह दूसरा एक्ट है माइंस एक्ट, जो स्पेसिफिक माइंस में काम करने वाले लोगों के लिए टारगेट में रख के ये एक्ट लाया गया था 1952 में। इसमें 3 डिजीज नोटिफेबल है। इसे डॉक लेबर सेक्ट 1948 का, इसमें 8 डिजीज आपको नोटिफेबल है। ये लेजिस्लेशन आपको काम करते हैं। और एक एक्ट जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको, जिसमें आपको जो मिलते हैं कंपनसेशन, वो ये गवर्न करता है इसको, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज्यादा है, तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपके साथ कोई घटना हो गई या आपके साथ कोई या तो मॉर्बिडिटी हो गई या फिर आपको डेथ हो गया या कोई डिजीज हो गई, ठीक है। इस दोनों कंडीशन में ये आपको रूल जो है ना आपको बेनिफिट्स देगा। इसके जो अमेंडमेंट्स 1975 में हुए, 84 में हुए, जो लास्ट अमेंडमेंट है वो 89 में। अमेंडमेंट होता है लॉज में कुछ आगे पीछे चीजों को बढ़ाना, करेक्शन करना या एडिशन करना, ये सारी चीजें अमेंडमेंट कहलाती है। ये 4 लॉज को आपको ध्यान में रखना है। कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लॉज या लेजिस्लेशन गवर्निंग द वर्कर्स हेल्थ सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स या निमोकोनियोसिस, इस हिसाब से आप इसको, या कभी ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, तो उसके बारे में आप डिटेल में बता दीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में जो स्कोप है वो सबसे बड़ी चीज है कि इस एक्ट को बनाया क्यों गया। देखिए जहां भी पावर बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहां पे 10 या 10 से ज्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं तो वो आपको फैक्ट्रीज कहलाएगी। जहां पावर इस्तेमाल नहीं, खेतों में इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गए, वहां पे 20 या 20 से ज्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज कहलाएगी। अब वहां पे ये रूल्स लगेगा, 10 से कम लोग पावर जहां पे इस्तेमाल और कम होंगे तो फैक्ट्रीज नहीं कहलाएंगे, वहां रूल्स नहीं लगेंगे। इसी तरह से नॉन पावर यूजेज में जहां पे 20 या 20 से कम होंगे, 20 से कम होंगे वहां रूल नहीं लगेगा। तो ये स्कोप कहलाता है कि लॉ कहाँ कहाँ आपको काम कर सकता है। दूसरे हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये लॉ जो है आपको देखता है आपके हेल्थ प्रोविजंस को, कि आपको वर्किंग प्लेस पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस पूरे प्रोविजन को इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको इलाज करवाया जाएगा या आपके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, आपके डिपेंडेंट है उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। ये एक्ट जब आया था तो इसमें ये बात थी कि जम्मू और कश्मीर को ये डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आज क्या इसमें एक्ट कैसे लागू होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटस चेंज हो गया है। अब वो हो गया आपको यूनियन टेरिटरी में, उसको चेंज कर दिया गया है, अब वो एक स्टेट नहीं रह गया, इंडिपेंडेंट स्टेट। खैर जो भी मामला हो तो नए लॉज होंगे, उसको किस तरह से इसको देखेगा वो अलग बात है। इसके जो इनको गवर्न करना है ना, वो चीफ इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे एडिशनल इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर होता है, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स होते हैं, और फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर्स होते हैं। यही लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं और जो कंपनसेशन बनता है या जो उसके अधिकार होते हैं उसको दिलाने की बात करते हैं अगर कोर्ट में मामला जाता है तो। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, इसमें कहा जाता है कि आप जो है ना बच्चों को इम्प्लॉय, यानी कि जो नए लोग हैं यंग पर्सन को इम्प्लॉय करने का रूल होता है कि 15 से 18 के बेसिस में अगर आप कर रहे हैं, 14 से नीचे नहीं कर सकते हैं। अगर 15 से 18 साल के लोगों को आप अगर इम्प्लॉय कर रहे हैं, एडोलेसेंट जो कहलाता है, तो जरूरी होता है कि सर्टिफाइंग सर्जन से उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए पहले, कि इसको ये बच्चा काम करने जा रहा है, हेल्दी है, वो बता देगा एज प्रूफ, तब जाके वो कर सकता है। और उस बच्चों के लिए हमेशा होता है कि ये सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम कर सकता है, ठीक है, इसके बाद या इससे पहले उनको नहीं बुला सकते हैं एडोलेसेंट वालों को। इसी तरह से वर्किंग आवर्स का, यानी आवर्स ऑफ वर्क जो होता है उसका भी रूल होता है कि एक हफ्ते में, यानी पूरे वीक में 48 घंटा से ज्यादा आप किसी वर्कर से काम नहीं ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, हर 5 घंटे पे, 5 घंटा अगर लगातार काम कर रहा हो
ये 9 घंटा अगर 5 घंटा लगातार काम कर रहा हूँ 9 घंटे के आवर में, मैक्सिमम दिन में 9 घंटे तक आप जा सकते हैं, 8 से 9 घंटे का प्रोविजन पर डे होता है, और 48 घंटा मैक्सिमम लिमिट होती है आपको किसमें, वीक में। ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप इंटर्नशिप करने आएंगे, तो इंटर्नशिप में एक रूल होता है कि मतलब कि जो अथॉरिटी है आपको अराउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे में कभी बुला सकती है, ठीक है, वहां पे ये रूल्स। फिर आपको जब लगेगा कि ज्यादा ड्यूटी हो रही तो बताइएगा सर 48 घंटा ज्यादा हम काम नहीं कर सकते, खैर तो वो अलग चीज है। हर 5 घंटे में आपको आधे घंटे का गैप देना है, मतलब कि आधे घंटे का रेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। यही बच्चों के लिए, एडोलेसेंट के लिए 4.5 घंटे में उनको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। लीव एंड वेजेस, कहा जाता है कि आप जो वहां पे जो काम करते हैं तो उनको लीव छुट्टियां कैसे मिलनी चाहिए, उसके लिए है कि हर 20 दिन पे हर भी, जैसे हम लोग का हुआ है कि हर मंथ में एक डेज होना चाहिए एडल्ट को, ठीक है, और बच्चों जो एडोलेसेंट है उसको हर 20 डेज पे, नहीं हम लोग को हर 20 दिन पे एक छुट्टी मिलनी चाहिए, और जो एडोलेसेंट होते हैं उनको हर 15 दिन पे एक छुट्टी मिलनी चाहिए। तो आप देख लीजिए उसको पूरे साल का या महीने का आपको कितना मिल सकता है, 30 डेज के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम ये एक्सटेंड कर सकता है बच्चों में 40 दिन तक जा सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज यानी वो पेशे से रिलेटेड जो डिजीज आपको हो रही है, रूल के हिसाब से उससे होने वाले कंपनसेशन भी कंपनी को वेन करना है, वो आपको कंपनसेशन देगी, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट इन हैज़ार्डस प्रोसेस, अगर कहीं पे पहले से डिफाइंड है कि भाई ये प्रोसेस बहुत हैज़ार्डियस है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट हो गई तो एम्प्लॉयमेंट के एक अलग उसका इंश्योरेंस होता है, उसके बॉन्ड साइन होते हैं कि भाई इसको जब टाइम टाइम से प्री प्लेसमेंट इनके एग्जामिनेशन होने चाहिए, एग्जामिनेशन के साथ साथ उनके पीरियोडिक एग्जामिनेशन होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के साथ वहाँ जुड़ी होती है, जिसको फैक्ट्रीज बाध्य होती है कि इन सारी चीज़ों को करना है। एंड द लास्ट वन इज द एम्प्लॉय स्ट्रेस स्टूडेंट्स एक्ट, ये जो एक्ट होता है इस एक्ट में आपको डिफाइंड होती है सारी चीजें कि फैक्ट्रीज की साइज क्या होती है, इसके शॉप्स होंगे या होटल रेस्टोरेंट है, या फिर रोड मोटर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट वाली कोई चीज है, या फिर आपको न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट है, या डिफरेंट टाइप की जो फैक्ट्रीज है और चिमनीज वगैरह या फिर थिएटर्स वगैरह इस्तेमाल है, सब इसमें आते हैं, ठीक है। 20 या 20 से ज्यादा जो ऑर्गेनाइज लोग हों तो वो उसमें जो काम करते हैं उसको इसमें जो है क्या कहते हैं आपको ये फैक्ट्रीज में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें डिफाइंड होता है कि जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी होंगी, और वो किस तरह से एम्प्लॉयज को इनरोल करेंगे, उनके सेफ्टी का किस तरह से ध्यान रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जो उनके बेनिफिट्स क्या क्या वो देंगे, टाइम टाइम से जो उनके बेनिफिट्स की जरूरत होगी। एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होता है इन चीज़ों का कि जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उसके फाइनेंस का उनको जिम्मा रखना है, उनको पूरा कंट्रोल रखना है। अदरवाइज आपने फैक्ट्री खोल दी तो आपके पास कोई रिजर्व ही नहीं है, अब पता चला कि लास्ट में जब उनके पेमेंट का मामला आया तो आप दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक रूल्स होते हैं जो उसको गवर्न करती हैं कि जैसे देखिएगा जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं वो जैसे आप अपने यहाँ भी अगर आपने नए कोर्स खोलने हैं तो सरकार लोकल लेवल पे तो नहीं, कम से कम जो सेंट्रल सर्टिफिकेशन बोर्ड होती है वो आपसे एक पैसा लेती है कि इतना पैसा आप हमारे पास जमा कीजिए, आपने MBBS शुरू करना है, BU में शुरू करना है कोर्स, और आपने एडमिशन ले लिया, बाद में कहा कि आपके पास टीचर नहीं है पेमेंट करने के लिए, आपके पास जो लैब्स नहीं है, तो सेंट्रल बोर्ड जिसने आपको एप्लीकेशन दिया वो जो आपसे पैसे ले लेती है, उस पैसे से वो कम से कम जिस बैच का एडमिशन हो गया उस बैच को वो काम चलाएगी। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका एक बॉडी होनी चाहिए, उस बॉडी में कौन कौन हो सकता है, वो उनकी क्या काम है, ये सारी चीजें इस रूल में आपको गवर्न किया जाता है। इसी तरह मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज है, कब कब बेनिफिट्स होगी उनको, सिकनेस बेनिफिट्स होगा उनको, डिसेबलमेंट हो जाए कि अगर वो बीमार पड़ गया या कोई दिक्कत हो गई उसको, या कोई पैर कट गया या फिर किसी वजह से कोई वजह से हो गई, या मैटरनिटी बेनिफिट हो गई, तो इन सारे कंडीशन में उनको क्या क्या प्रोविजंस दे सकती है, ठीक है, वो सारी चीज इसमें डिपेंड होता है कि रिहेबिलेशन कैसे करना है, फ्यूनरल मतलब अगर मर गया है तो उसको जो दफन करने का या उसको जलाने का जो भी प्रोसेस है उसको कंपनी किस तरह से हैंडल करना, कितना उसको कंट्रीब्यूट करना है, इसी तरह से जो बच गए उस आदमी के डिपेंडेंट्स, फैमिली का कोई आदमी बच गया, बीवी बच गई या फिर बच्चा बच गया, गवर्नमेंट में तो बहुत अच्छे रूल्स हैं कि आपको पेंशन मिलेगा, या एक वर्किंग प्लेस पे आप मर गए तो फिर वो नौकरी भी मिलेगी बच्चों को, इसी तरह से कुछ एक्ट्स प्राइवेट में भी काम करते हैं, इतना लेवल पे नहीं है लेकिन इतना है कि वो जो वर्किंग क्लास है उनको बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स की बात होती है कि अगर वर्किंग प्लेस पे आपको दिक्कत हो गई है, कोई बीमारी हो गई है आपको, ठीक है,
और उसके बाद आपको जरूरी नहीं कि आप खुद उस पर खर्च करें, उसके लिए सरकार के नियम बने हुए हैं कि ओपीडी की काम हो या आईपीडी आपको एडमिट रहना पड़ता हो या फिर आपको प्रिवेंटिव कुछ मेजर्स लेने हो या फिर आपको कोई सप्लीमेंट्स देना हो, तो वो सारी चीजें एक फैक्ट्रीज एक्ट में है पूरा कि किस लेवल पे कंपनी को वहन करना है। इसी तरह सिकनेस होता है कि आप उस काम पे आने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से आपको नहीं आ पा रहे हैं या आप इस एबल नहीं है कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो अलग अलग डिजीज है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस या फिर आपको खासकर कैंसर होने वाली डिजीज या फिर आपको नर्वाइन डिसऑर्डर्स हैं, या एक लंबी बुक में देखिएगा आपको ऑर्थोपेडिक से लेकर सारी डिजीज को कवर करता है ये। उन सारी डिजीजों में आपको क्या बेनिफिट्स देगी गवर्नमेंट और कितना बेनिफिट्स वो प्राइवेट वाली कंपनीज देंगे, लॉ इसको डिफाइन करता है। इसी तरह से मैटरनिटी लीव है, बड़ा मसला होता है जो फीमेल वर्किंग फोर्स होता है हमारा, उनको ये जरूरत कभी भी पड़ सकती है लाइफ में, एक वर्किंग क्लास लेडी को 2 से 3-4 बार पढ़ ही जाता है। तो अभी जो मैटरनिटी लीव है वो 180 डेज का है, सरकार को 180 डेज मैटरनिटी लीव देती है, और उसके साथ साथ एक पेटर्निटी लीव भी होता है जो फादर उनके साथ जुड़े 15 दिन उनको भी मिलता है ये सारी चीजें, ठीक है। डिसएबलमेंट बेनिफिट होगा कि एक आदमी अब नहीं आ रहा है आपको काम पे किसी वजह से, पहले तो वो मेडिकल टीम उसको डिफाइन करेगी कितना परसेंट डिसएबल है ये, 10%, 20%, 40%, 60%, 90%, तो इसके रेंज के हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की थी कि फ्यूनरल जो हो जाते हैं उनको मिलेगा, फिर डिपेंडेंट्स जो होते हैं जो जो लोग बच गए फैमिली में उनको भी कुछ होलसम अमाउंट देके या फिर उनके घर के कोई एबल आदमी उसको जॉब पे लगा के इस तरह से उनको आपको पूरा किया जाता है। लास्ट नॉट लीस्ट की रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है कि जैसे एक आदमी आपके वर्किंग प्लेस पे इस हिसाब से वो इंजरी हो गई उसको या इस हिसाब से वो बीमार पड़ गया कि वो बंदे को अब कोई वजह नहीं कि वो ज्वाइन कर सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए इनह्यूमन बेसिस पे उस बंदे को फायर कर दे, आप फैक्ट्री से निकाल दिए, तो उसके रूल है कि आपको कितना कंपनसेशन देना है या फिर एटलीस्ट जो है पेमेंट का कितना हिस्सा उनको लगातार देते रहना है उनके जिंदा रहने तक, या उसके डिजीज का बेनिफिट्स जो एक्सपेंस आ रहा है कितना आपको उठाना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे जितने भी हैजार्ड्स होते हैं, तो ये तो रूल्स की हमने बात करी कि किस तरह से मेडिकल आप वो रिसोर्सेस उसको लगा सकते हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर में या प्रोफाइलेक्टिव मेजर में ट्रीटमेंट मेजर में। इसी तरह इंजिंग क्या आप कर सकते हैं, इंजिंग बेनिफिट्स की किस तरह से डिजाइन हो वो सिस्टम जहाँ पे वर्किंग प्लेस हो, कम से कम हैजार्ड्स हो। और तीसरे कहा था कि रूल्स या लॉ उसको गवर्न करते हैं। देखिए अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे ना कोई चीज का, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, जैसे कोई केस आया एनवायरमेंटल या काम कर जहाँ प्लेस की वजह से कोई बीमारी हुई, डिजीज डायग्नोस किया आपने, उसको क्योर किया, ट्रीटमेंट दिया, मैन को छोड़ दिया आपने, फिर वही सर्कल कंटिन्यूअस चालू रहेगा, उसको फिर डिजीज होगी, फिर ट्रीटमेंट दीजिएगा, फिर वो होगा। ये आप टेम्पररी ट्रीटमेंट देते रहेंगे, वो एक्सपोजर बार बार होता जाएगा, बीमार होता रहेगा, तो फिर क्या होगा कि उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन जो है ना एग्जॉस्ट कर जाएंगे, डिजीज कंटिन्यूस हो जाएगी, फिर कुछ दिन बाद वो हो सकता है कि वो टेम्पररी आप इस तरह से बेड पे चला जाएगा या आपको रिहैबिलिट की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है डेथ भी हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो उसमें ना सिर्फ आप डिजीज को ट्रीट करते हैं, दूसरा है कि नेक्स्ट टाइम उसको एक्सपोजर होने से भी बचाते हैं। तो उसमें क्या काम करते हैं, एक तो उसमें पहले था कि पेशेंट आया कोई भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह हैजार्ड्स का, आपने उसको देखा, उसको डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट दिया, वो हेल्दी हो गया या फिर हेल्दी होने के ट्रैक पे आ गया, फिर छोड़ दिया, फिर से एक्सपोजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना है, सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है आपको प्रिवेंटिव मेजर, उस जो सोर्स आपका आ रहा है जिसकी वजह से लगातार एक्सपोजर की वजह से डिजीज हो रही है उसको भी आपको कंट्रोल करने का काम करना है, अदरवाइज नहीं तो वो साइकिल लगातार चलती रहेगी। उस कैसे उसे कंट्रोल करना है, पीछे आपने देखा कि मेडिकल्स क्या कर सकते हैं, इंजरिंग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स और ये सारी चीजें, तो ये सारे रिसोर्सेज को आपको उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए जब भी इस तरह की डिजीज होती है, न्यूमोकोनियोसिस या फिर जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स होते हैं या वर्किंग प्लेस पे ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन का रोल नहीं रह जाता है, उसमें ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट का भी रोल होता है। फिजिशियन तो सिर्फ आपको वही देख रहा है जो पेशेंट के अंदर है, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है, किस तरह से उस फैक्ट्रीज को आप मिनिमाइज करें, उसके एक्सपोजर को किस तरह से उसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, किस तरह से रिसोर्स ऑफ जो हैजार्ड्स हैं या फिर जहां से धूल निकल रहा है, फ्यूम्स निकल रहा है, उसको किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें कंट्रोल में आती है। इसलिए ये दोनों होना जरूरी है। बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड है ऑक्यूपेशनल फिजिशियन का, जिसको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट तरह के लोग। डर्मेटोलॉजिस्ट का बड़ा रोल है इसमें,
क्योंकि वहां जहां पे आपको एक्सपोजर हो रहा है स्किन डिजीज होने का चांसेस ज्यादा है, सब ज्यादा हमारी स्किन और सांस फेफड़ा, ये दो चीज बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के शिकार होते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो ऑक्यूपेशनल फिजिशियंस में उनकी टीम में वो भी आपके होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंसी कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, वो लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज के एक्सपर्ट होते हैं वो भी आपके कंसल्ट में होने चाहिए। मेडिकल टीम आप ऐसी बनाइए कि ये पूरे लोग उसमें हो, ताकि वो बार बार बताए कि यार आप कम्युनिकेशन लेवल जो डिजीज का है वो बहुत खतरनाक है, इसको कंट्रोल कीजिए। साइकेट्रिस्ट क्यों नहीं जरूरी है, वर्किंग एनवायरमेंट में काम करते करते थकन जो है ना मेंटल आपको सैचुरेशन की तरफ ले जाता है, तो अलग अलग ख्याल आएंगे आपको, फिर उससे आपकी एक्यूरेसी एंड जो आपको प्रोडक्टिविटी है वो कंट्रोल में नहीं होती है, वो हिंडर होती है। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट की टीम होगी तो आपको साइकेट्रिस्ट की तो आपको उसको कंट्रोल करेगी। ऑडियोलॉजिकल फिजिशियंस मतलब कि वर्किंग एनवायरनमेंट में आप इंडिया जैसे प्लेस में देखिएगा शोर को यानी नॉइज को हम लोग जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए जो हियरिंग लॉस हो रहा है किसी को या मैक्सिमम साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं वर्किंग प्लेस पे, तो वो भी एडवाइजेबल टीम में आपके होने चाहिए। रिमेटोलॉजिस्ट, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको जॉइंट्स पेन में होता है, वर्किंग पॉपुलेशन जो खेतों में काम कर रहे हैं या फिर लगातार खड़े होकर काम कर रहे हैं या ऐसी पोजिशन में कर रहे हैं कि झुके हुए लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी बोन का जो कर्वेचर है आपको उसमें दिक्कत होती है। L4 L5 देखिएगा आपको बहुत हेवी काम नहीं कर रहे हैं उसको भी हो रहा है। नेक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, खास के लेटेस्ट जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे रिमेटोलॉजिस्ट की भी एक टीम आपके उस पूरे सुपरवाइजिंग डॉक्टर टीम में होनी चाहिए जो आपको प्रिवेंशन से लेके कंट्रोल मेजर्स भी दे सकें। एंड सबसे लीस्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी फिजिशियंस, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि आपने देखें कि फ्यूम से डस्ट से निमोकोनिसिस एक चैप्टर ही है आपका, किस तरह की खतरनाक बीमारी हो सकती है जो सिंपल आपको फाइब्रोसिस से होके आपको कहाँ तक जा सकता है, कैंसर तक भी जा सकता है। जनरली आपको जो निमोकोनिसिस होती है उसमें कैंसर डेवलप नहीं होता है, इसको नॉन न्यूप्लास्टिक एक्सपोजर कहते हैं कि नॉन न्यूप्लास्टिक कैंसर नहीं होता, बाय डेफिनेशन यही कहते हैं। लेकिन अब चूंकि नई रिसर्च आ चुकी है कि आपने देखा कि मेसोथेलियोमा जो एक तरह का कैंसर है जो बुरी तरह से हो जाता है आपको सिलिकोसिस या शायद उसके एस्बेस्टोसिस में आपने देखा होगा मेसोथेलियोमा वाला, तो इस तरह से कई ऐसे एक्सपोजर हैं जिसकी वजह से आपको ये रिपोर्टेड केस है कि कैंसर भी हो जाता है। तो आपकी जो डॉक्टर्स की टीम हो उसमें इस तरह के लोग उसमें इंक्लूडेड हो, ताकि ज्यादातर चेकअप्स और प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स पे, वर्कर्स पे, जिनको बचाया जा सकते हैं इन सारी डिजीज से। इट वॉज ऑल अबाउट द निमोकोनिसिस एंड हेल्थ हैजार्ड्स वर्किंग द पॉपुलेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आई मीन की फैक्ट्रीज एंड सम अदर ऑक्यूपेशनल पेशा जो कह सकते हैं वहाँ जो काम करते हैं उनको रिलेटेड था। दो चार मिनट है हमारे पास, एक मिनट है, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लें। ये आज खत्म होता है, कल हम लोग बता देंगे कल नेक्स्ट कल